नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ओके क्रेडिट में। और इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम आपसे शेयर करते हैं ढेर सारे बिजनेस टिप्स और आपको बताते हैं कि कौन सा बिजनेस किस तरह से आपके लिए अच्छा रह सकता है। तो आज जिस बिजनेस की हम बात करने जा रहे हैं उस बिजनेस को लेकर कमेंट बॉक्स में लगातार हमारे पास क्वेश्चन आ रहे थे और वो बिजनेस जुड़ा है एनिमल फीड से। और इस वक्त हम मौजूद हैं धौलाधार पोल्ट्री एंड कैटल फीड इंडस्ट्रीज में और इस बिजनेस को लेकर जो भी बारीकियां हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप किस तरह के और वीडियोस देखना चाहेंगे बिजनेस को लेकर, और साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। तो मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त राजेश गुप्ता जो कि इस इंडस्ट्री के ओनर हैं। आपको कितने साल हो गए इस बिजनेस में? मैम हमें नियर अबाउट 20 साल हो गए हैं जी मैन्युफैक्चरिंग में। कैटल फीड की हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कैटल के साथ पोल्ट्री है, पिगरी है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ फीड्स जितनी भी हैं वो हम इसमें कर रहे हैं। डायरेक्ट जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है वो 12 लोग हैं यहाँ पे, और इनडायरेक्टली नियर अबाउट 200 पीपल्स जो हैं हमारे साथ जॉइंट हैं। उसमें क्या है, जैसे कुछ फार्मर्स हैं जो हमें सप्लाई कर रहे हैं रॉ मटेरियल, कोई लेबरर हैं। कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है अगर कोई इस बिज़नेस को आज की डेट में शुरू? आज की डेट में ये बिजनेस जो है एक बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि जिस तरह से हमारे गौवंश और बाकी चीज़ें कम हो रही हैं, लोगों को अच्छा दूध नहीं मिल रहा है, वो एक सबसे बड़ी समस्या है। मैं तो यही सुजेस्ट करूँगा कि जो इनिशियली स्टार्ट करना चाहता है, आजकल गवर्नमेंट की जैसे हिमाचल गवर्नमेंट की स्वावलंबन योजना है उसमें आ जाए, फिर जैसे स्टार्टअप हैं उसमें चला जाए, छोटे छोटे बिजनेस टिप्स ले जो हमारे जीएम डीआईसी बैठे हैं वहाँ से लें, ईओ इंडस्ट्रीज हैं वहाँ से लें। तो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी कैपेसिटी में आप उसको इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और कितनी प्रोडक्शन आप करना चाहते हैं। अब जैसे हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर ही है, वो भी इसमें काफ़ी सहायता आपको प्रदान करते हैं, और इसमें अगर आप 10 या 20 लाख से भी शुरू करें तो एक सही रहेगा, और मैक्सिमम 10 करोड़ तक भी इसके प्लांट्स हैं। प्रॉफिट का तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वालिटी दे रहे हो मार्केट में, क्या प्रोडक्ट दे रहे हो, और बेसिकली ये पशुओं से रिलेटेड काम है तो इसमें प्रॉफिट का कोई ज़्यादा इशू नहीं होता है, क्योंकि इंसान से तो आप पैसा कमा सकते हैं, पशुओं से पैसा नहीं कमा सकते। सरकारी लोन मिलता है? जी मिलते हैं जी, इसमें सरकारी लोन भी मिलते हैं, सरकारी फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। जैसे अब हमारी केंद्र सरकार ने MSME के लिए पेपरलेस बनाने की योजना बनाई हुई है। अब जैसे स्वावलंबन है या एमर्जिंग हिमाचल है, उसके थ्रू भी आपको सिर्फ उसमें एक एप्लीकेशन देनी है, बाकी फॉर्मेलिटीज़ आपको बाद में प्रोसेस करनी है। गवर्नमेंट ने उसमें 6 महीने का आपको टाइम दिया हुआ है, 6 महीने के बाद जो है वो प्रोसेस करनी है आपको अपना यूनिट्स इस्टेब्लिश करने के लिए। उसमें प्लांट एंड मशीनरी के लिए भी सरकार देती है, हर किस्म के सहयोग सरकार करती है। कोई भी नहीं, कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ उनसे परमिशन लीजिए कि ये मेरी प्रोजेक्ट प्रपोजल है और मैं इस पे काम करना चाहता हूँ, जो बाकी फॉर्मेलिटीज़ हैं आप बाद में दे सकते हैं, 6 महीने का टाइम है। काम को शुरू करने के लिए कोई लोकेशन मैटर करती है कि आपको किसी खास एरिया में? नहीं, लोकेशन का कोई मैटर नहीं है, आपको रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी चाहिए है, वो आपके पास रोड अप्रोचेबल होना चाहिए, बाकी कोई समस्या नहीं है इसमें। तो आपका मानना यह है कि अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहे तो वो प्रॉफिट में ही रहेगा और तो कर लेना चाहिए? जी, सरकार की तरफ से भी अच्छे खासे स्कीम्स, बहुत स्कीम्स हैं जी। बस एक यही है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हुआ है लोकल के लिए वोकल, तो वो तभी सार्थक होगा जब हम छोटे उद्योगों को बढ़ावा देंगे, वहीं से ही मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, और ये तभी सार्थक होगा जब हमें सरकारी परचेज मिलेगी, सरकारी काम होंगे, तो यही है तभी सार्थक होगा, अदरवाइज़ तो आप सामान तैयार करते रहो और कस्टमर ढूँढते रहो।
तो ये थे राजेश गुप्ता, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आप इस तरह का बिजनेस शुरू कर प्रॉफिट कमा सकते हैं। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, आप गवर्नमेंट की तरफ से चलाई गई स्कीम्स का पूरा फ़ायदा उठाएं, आप पता करें कि कहां से कितना लोन लिया जा सकता है, और कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसके जवाब ज़रूर देंगे। MSME को लेकर जो भी आपके मन में शंका है, क्योंकि MSME को लेकर हमने कई सारे वीडियोज़ पहले भी बनाए हैं, और जैसा कि राजेश जी ने भी कहा कि MSME द्वारा भी कई तरह के जो सुविधाएं हैं वो सरकार की तरफ से दी जा रही हैं, तो आप भी अपना अवेयरनेस पूरा रखें। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आप तब तक देखते रहिए ओके क्रेडिट और हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके क्रेडिट, आपके बिजनेस का सच्चा साथी।